मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो रियल सिनेमा है, जो रियल आर्ट है, चाहे वो कभी भी रिलीज हुआ होगा, चाहे उसे लोगों ने बहुत बाद में डिस्कवर किया होगा, बट वो कभी फेड अवे नहीं होता। वो आज नहीं तो कल उसकी ट्रू वैल्यू लोगों को तक पहुंचती ही है। यस, आई हैव चेंज माई बैकग्राउंड एंड इसके लिए आज मैं एक बहुत ही स्पेशल मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है सिनेमा की ओर, जो मूवी मेरे हिसाब से एक परफेक्ट आर्ट है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने बहुत सारे हॉरर मूवीज देखे हैं, थ्रिलर्स देखे हैं, बहुत सारी ट्विस्टेड मूवीज देखी है, बट ये जो मूवी मैंने देखी, इसने मुझे ट्रूली टेरिफाई किया था। एंड ऐसा मेरे साथ किसी मूवी के लिए आज तक नहीं हुआ था। मैंने इस मूवी को कंटिन्यूअसली 2 बार देखा था, क्योंकि ये समझने में थोड़ी मुश्किल है, बट आप इस मूवी के कुछ सीन्स अगर देखोगे तो आपको इतना डराएंगे कि किसी भी आपको हॉरर मूवी ने इतना नहीं डराया था जितना आपको ये मूवी डराएगी। इसका जो साउंड ट्रैक है वो इतना हॉन्टिंग है, ट्रस्ट में आप इस मूवी को एक बार देखना। जिन लोगों को लगता है कि एनिम जो है सिर्फ कार्टूनिश होती है, उन लोगों को ये मूवी एक बार देख लो आप, बस आपको पता चला कि एनिम की जो स्टोरी टेलिंग है उसका लेवल कहाँ तक पहुंच गया है। एंड डेफिनेटली ये जो मूवी है वो एक काफी अडल्ट मूवी है, इसमें बहुत सारे न्यूड सीन्स है, मतलब मैं इतना कहूंगा कि इस मूवी में 30-40% न्यूड सीन्स है। एंड जो सीन्स है ऐसे नहीं है कि वो जस्ट अननेसेसरी सीन्स डाले गए हैं न्यूड सीन्स जस्ट ऑडियंस को टिटिलेट करने के लिए, बट ये जो सीन्स है वो ट्रूली स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये न्यूड सीन्स भी अगर आप देखोगे इस मूवी के, तो वो देख के भी आपको बहुत ऐसा अनइजी ऐसा फील होगा। मूवी की स्टोरी जो है वो ऐसे ही कि एक पॉप सिंगर होती है जो अपना पॉप सिंगर का अच्छा करियर छोड़ के एक्टिंग शुरू करती है, बट जैसे ही वो एक्टिंग का करियर अपना शुरू करती है तब उसे स्लोली स्लोली पता चलता है कि उसका एक ऑब्सेस फैन जो है उसे स्टॉक कर रहा है, उसके पीछे पड़ा है। एंड जब ये लड़की एक्टिंग जब शुरू करती है तब एज अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस उसे बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो एज अ पॉप सिंगर वो कभी नहीं करती। जैसे मूवी में आपको एक रेप सीन देखने मिलेगा जिसे वो शूट करने जाती है, एंड ट्रस्ट मी गाइज वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग सीन है। और ये मूवी जो है वो नॉर्मल ऐसी पॉपकॉर्न फन नहीं है जिसे आप देख के सिर्फ एंजॉय करोगे। ये मूवी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवी है, मतलब मैं इतना कहूंगा कि इस मूवी को आपको एटलीस्ट 2 बार देखना पड़ेगा इसे ठीक से समझने के लिए। बट अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देखोगे और आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, फिर भी आपका जो इस मूवी का जो थीम जो है, अगर उसकी जो स्टोरी है वो आपको बहुत ज्यादा टेरिफाई करेगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे आज तक किसी हॉरर मूवी ने इतना नहीं डराया था जितना मुझे इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने डराया है। एंड इस मूवी को बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज कॉपी करती है, इस मूवी के बहुत सारे सीन्स आपको जो फेमस हॉलीवुड मूवी है उनमें देखने मिलेंगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं दूंगा जो ब्लैक स्वान जो मूवी थी, जो 2010 में रिलीज हुई थी, जो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, वो मूवी आपको इस मूवी से काफी ज्यादा सिमिलर लगेगी। फिर जो रिक्वियम फॉर ड्रीम है उसका जो फेमस जो बात सीन जो है वो इसी मूवी के एक सीन से इंस्पायर्ड है। एंड ये जो मूवी है वो बहुत सारे इश्यूज की भी बात करती है कि कैसे एक फेमस सिंगर भी कैसे एक लोनलीनेस से गुजर सकता है। फिर जो सोसाइटी है उसके सामने हम कैसे हमारी जो अलग आइडेंटिटी को प्रेजेंट करते हैं, फिर प्राइवेट में हम कैसे कंप्लीटली अलग पर्सन होते हैं, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस। फिर ये मूवी स्ट्रांगली बात करती है हमारे डिजायर्स पे, जो हमारे जो फैंटेसीज होती है उन पे। एंड इस मूवी में ऐसे ही आपको बहुत सारी अंडरलाइन थीम्स देखने मिलेंगी जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं कर सकता विदाउट स्पॉयलर्स दिए, बट आपको जरूर पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ जब आप इस मूवी को देखोगे तब। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस मूवी का जो साउंड ट्रैक है वो इतना ज्यादा हॉन्टिंग है, मैंने किसी भी हॉरर मूवी में ऐसा साउंड ट्रैक नहीं सुना था जो मैंने इस मूवी में सुना है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लेजेंडरी डायरेक्टर सतोशी कॉन ने, जिन्होंने पैप्रिका जैसी कमाल की मूवीज बनाई है। उसी पैप्रिका मूवी ने इंसेप्शन मूवी को आगे जाके इंस्पायर किया था। एंड बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि इस मूवी का एनी मूवी से पहले एक लाइव एक्शन वर्जन बनने वाला था जो कि कैंसल हो गया, क्योंकि इतने सारे अडल्ट सीन्स थे इस मूवी में। फिर जो कुछ क्राइसिस हो गया था तभी उस वक्त पे, तो इसके लिए प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट किया, जो कि आई एम ग्लैड नहीं हुआ। अगर वो ऐसा हुआ होता तो अपने को आज ये एनी मास्टरपीस देखने नहीं मिलती। एंड फिर इस मूवी की जो एंडिंग जो है, विदाउट स्पॉइलर दे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस मूवी की जो एंडिंग है उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। डेफिनेटली ये जो मूवी है उसे देखने के बाद मैं जरूर कहूंगा कि जो अल्फ्रेड हिचकॉक जिन्हें लेजेंडरी थ्रिलर डायरेक्टर माना जाता है, ये उनके लेवल की मूवी है। मतलब इसे इमेजिन कर सकते हो कि ये जो मूवी है, इमेजिन जी क्रिस्टोफर नोलन अगर थ्रिलर बनाए तो वो कैसे बनाएगा। मतलब
मतलब क्रिस्टोफर नोलन मिक्स विद अल्फ्रेड हिचकॉक, ऐसे टाइप की मुझे ये मूवी लगती है। ये मूवी डेफिनेटली मेरे टॉप 10 थ्रिलर्स में आती है एंड ये मूवी मुझे जस्ट परफेक्ट लगती है हर तरीके से। इसका साउंड ट्रैक हुआ, इसका जो एनिमेशन है वो हुआ, सब कुछ मुझे जस्ट इस मूवी का परफेक्ट लगता है। इसके लिए मैं इस मूवी को दूंगा 5 out of 5 स्टार्स। जो नॉन एनिम फैंस है जिन्हें सिर्फ लगता हो कि ये सिर्फ कार्टूनिश मूवी है जो सिर्फ बच्चे देखते हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ इस मूवी को एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा एनिम का जो स्टोरी टेलिंग का लेवल है वो। एंड मूवी आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेगी, आई थिंक लगभग 1.5 घंटे की मूवी है। एंड ये जो मूवी है वो 1997 में पहले रिलीज हुई थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने, इवन मैंने भी अभी 2011 या 12 में इस मूवी को डिस्कवर किया था बिकॉज ऑफ नेट एंड ऑल। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो रियल सिनेमा है, जो रियल आर्ट है, चाहे वो कभी भी रिलीज हुआ होगा, चाहे उसे लोगों ने बहुत बाद में डिस्कवर किया होगा, बट वो कभी फेड अवे नहीं होता। वो आज नहीं तो कल उसकी ट्रू वैल्यू लोगों को तक पहुंचती ही है। एंड अब से हमेशा एवरी वीक मैं एक ऐसे मास्टरपीस मूवी के बारे में बात करूंगा जिसने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया सिनेमा के लिए, फिर वो एनिम हो कुछ भी हो, मैं उसके बारे में बात करूंगा। जो मूवीज मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रू आर्ट है उनके बारे में मैं हर वीक में बात करूंगा अभी से। एंड आई विश कि ये मूवी कहीं पे तो रिलीज हो, नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम वीडियो पे। मुझे मालूम नहीं कि अभी OTT पे अवेलेबल है या नहीं, अगर आपको पता होगा कि कहां पे अवेलेबल है ये मूवी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपने इस मूवी को देखा होगा तो आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।